फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो जोर से। ब्लेस डे है आज, आपकी टेस्टिमनी का डे है आज। हालेलुया। मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने जब भी आपसे बात की है उसने वचन से की। अगर अब्राहम ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे को बेटा दे जो तूने वायदा किया था, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते तो बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे मालूम था कि सिद्ध कैसे होना है, उसे मालूम था परमेश्वर की मर्जी क्या है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा करने में थोड़ा सा पीछे था। कहती परमेश्वर का वचन जब उसके पास आया और उसने अपनी कमियों को निकाला, तो जो वो 25 साल से 24 साल से इंतजार कर रहा था उसके पास था। किसी हेल्पर की कॉल आ जाए कि भाई साहब 4 लाख रुपया ले जाओ, आपका कर्जा उतार दो। कई बार परमेश्वर ऐसे भी काम नहीं करता। हालेलुया। कई बार वो ऐसे काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। जब मैं अपनी मसीही शुरुआती दिनों में था तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी कि मैं ठीक हो जाऊं जिस तरह बाकी लोग ठीक हो रहे हैं, और यही बात मुझे ज्यादा निराश करती थी। ज्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से ज्यादा निराश मैं रहता था मसीह में आने के बावजूद भी, क्योंकि उनको मैं हील होते देखता था लेकिन अपनी हीलिंग को मैं देखता नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को मैं भी महसूस करता था, उसकी पावर को मैं भी महसूस करता था। वचन में आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट था। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, पर मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा हूं। तब क्या होता था कि जैसा आप वचन सुन रहे हैं आज, हर हफ्ते, हर संडे, हर थर्सडे आप ऑनलाइन सुन लेते, यहां सुन लेते, तब ऐसा नहीं था। हिंदी में कुछ ज्यादा डीप प्रीचिंग सुनने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था, फिर इंग्लिश में जाना पड़ता, इंग्लिश में सुनते थे उसको और फिर उसको समझते थे कि कैसे करना है, क्योंकि जहां हम ग्रुप्स में जाते थे बंदगी करने के लिए वहां इतनी डीप प्रीचिंग नहीं होती थी। एक दो टॉपिक होते थे, हर संडे उसी में प्रचार होता था। तो परमेश्वर को पूरी तरह से समझना जो था वो हमारे लिए एक एफर्ट लगता था, एक जोर लगता था कि क्या करें हम अपनी लाइफ में। और मैंने एक बात देखी, आपकी लाइफ का बड़ा ब्रेक थ्रू, वो हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, आपके परिवार का उद्धार हो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे अपने वचन के जरिए भेजते हैं। और उस वचन में क्या आया, मेरे भाइयों हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए एक शॉकिंग वर्ड था, क्योंकि बाइबल में बहुत पढ़ता था रोज ताकि मेरा मेंटली अपसेट के अटैक खत्म हो जाए, पढ़ते रहना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन ये वचन मुझे ऐसा लगा कि ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की है मेरे ट्रबल को खत्म करने के लिए। वहां से एक जर्नी शुरू हुई, वहां से एक यात्रा शुरू हुई मेरी मसीह जिंदगी के अगले लेवल की, जहां से 40 रोजे रखने की शुरुआत हुई, रोज घंटों प्रार्थना करने की शुरुआत हुई, और उस मेहनत ने जो परमेश्वर ने अपने ही ग्रेस से मुझसे ली, इसलिए आज आप मुझे यहां देखते हो।